सो गाइस, आपने सुना होगा कि लैपटॉप से एक लैपटॉप को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाए तो हम अपना लैपटॉप का कंट्रोल किसी और को दे सकते हैं टीम व्यूअर के हेल्प से। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि आप मोबाइल से एक लैपटॉप को कंट्रोल कर सकते हैं? मैं एंड्रॉयड की बात नहीं कर रहा, iOS फ़ोन मतलब आईफोन से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ही तीन ऐप्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने लैपटॉप को मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, और उल्टा भी हो सकता है, आप लैपटॉप से मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, तीन ऐप्स आपको जल्दी से बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको पता ही है वैसे, ये जो लाल बटन है दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर, वीडियो अच्छी लगी तो कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। सो मैं आज आपको तीन ऐप्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली ऐप है गूगल की बनाई हुई क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। तो पहले लैपटॉप को सेटअप कर लेते हैं या फिर कंप्यूटर को, उसके बाद मोबाइल सेटअप करते हैं। तो पहले लैपटॉप पे चलते हैं। तो सबसे पहले सर्च कर लेते हैं क्रोम रिमोट डेस्कटॉप एक्सटेंशन। सो एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेगा आपके गूगल क्रोम ब्राउजर में। सो पहले वो कर लेते हैं। सो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है और अनेबल नहीं कर रखा, तो मैं अनेबल कर देता हूँ। सो मोबाइल पे सेटअप करते हैं। आपको जस्ट यहाँ गूगल पे लिखना है, प्ले स्टोर पे वही क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, ये देखिए आ गया, मैंने इंस्टॉल कर रखा है पहले से, आप इंस्टॉल कर लीजिए। अब आगे सेटअप्स पे चलते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको जस्ट खोलना है फिर क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, गूगल पे सर्च कर लीजिए और फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद आपको बस यहाँ पे टर्न ऑन करना है, और अपना प्रवीण पीसी मेरे नाम जैसा है कंप्यूटर का, उसके बाद एक पिन दे दीजिए जिससे कि सिर्फ आप ही कनेक्ट हों अपने उसके साथ। सो जैसे मैं दे देता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद स्टार्ट दबा दीजिए। बहुत ही सिंपल है, आपको सेव करना है पासवर्ड तो ठीक है, वरना नो थैंक्स। ये देखिए अपने आप आ गया स्टार्टिंग पीसी, प्रवीण पीसी स्टार्ट हो रहा है। अब अपने मोबाइल पे आ जाइए, और यहाँ पे ऐप पहले से हमने डाउनलोड कर लिया है, तो अब इस पे जाते हैं क्रोम रिमोट डेस्कटॉप पे। ऑनलाइन आ गया, अब देखिए यहाँ माई कंप्यूटर पर अपने आप प्रवीण पीसी दिखा दिया। बहुत ही ईजी था ये, आपको जैसा दिखा होगा बहुत ही ईजी सेटअप किया हमने, और इसी से हमारा चल पड़ा है कंप्यूटर। अब देखिए पिन मांग रहा है मेरे से, सो ऑब्वियसली मेरे को तो पता है 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद हम ऐसा कर देंगे तो ये हमेशा ही कनेक्ट रहेगा इस मोबाइल के साथ। सो देखिए आपका कंप्यूटर आपके फ़ोन में आ चुका है, देख सकते हैं आप पूरा आ चुका है ये। ये देखिए माउस हिल रहा है, मैं जैसे हिला रहा हूँ, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं ऊपर से। ये देखिए माउस दबा देंगे तो आपका उंगली से टच होगा, फिर जितना बड़ा स्क्रीन होगा तो आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो चलिए अब मैं एक और ऐप करके दिखा देता हूँ आपको। सो अब बात कर लेते हैं दूसरे ऐप की, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही ईजी है, टीम व्यूअर। सो आपको करना क्या है जस्ट, और ये भी बहुत ट्रस्टेड ऐप है, ठीक है। सो आपको जस्ट सर्च करना है गूगल पे टीम व्यूअर। सो ये आ जाएगा आपके पास, ये देखिए बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है, प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं। सो जस्ट आपको ये डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड फ्री, क्योंकि हम कोई कमर्शियल यूज़ के लिए ले नहीं रहे, क्योंकि बहुत लोग कमर्शियल यूज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो इसके वजह से। सो जस्ट इसको डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है ताकि आपका टाइम बच सके। सो मैं अपना ऐप खोल लेता हूँ पहले। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं टीम व्यूअर, कुछ नहीं, बस ये इंस्टॉल होने के बाद ऐसा ही दिखता है और कुछ नहीं है। तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका एक आईडी बना देता है कि कंप्यूटर है तो उसकी एक आईडी, ये देखिए योर आईडी और पासवर्ड। सो अगर आप भी कभी अभी टीम व्यूअर ऑन कर रखे होंगे और आप ये आईडी डालेंगे, और मैंने अगर टीम व्यूअर ऑन कर रखा है तो आप ये आईडी और ये पासवर्ड से मेरा लैपटॉप कंट्रोल कर सकते हैं। सो अब जैसे कि मैं मोबाइल में भी ये टीम व्यूअर इंस्टॉल कर लूँगा जिससे मेरा ये पावर मेरे को मिल जाएगी। सो जैसे कि अब देखते हैं, पहले हम मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेते हैं टीम व्यूअर। ये सेम आपको सर्च करना है मोबाइल पे टीम व्यूअर, देख सकते हैं आप। सो ये हाँ मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसको ओपन कर लीजिए, और बस यहाँ देखिए पार्टनर आईडी। सो मेरे पास पार्टनर आईडी है 1674128
ये आईडी एकदम सेम रहती है हर लैपटॉप की या कंप्यूटर की, लेकिन पासवर्ड चेंज होता रहता है। तो रिमोट कंट्रोल दबा दीजिए इसको और फाइल ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो आपके जो लैपटॉप में जो भी फाइल है वो भी सर्च कर सकते हैं। पासवर्ड जो मेरे लैपटॉप में दिखा रहा है मैं उसको टाइप कर दूंगा यहाँ पे C442। बहुत ही ईजिली आपका जो यहाँ पे ये देखिए आपको दिखा रहा है कैसे क्या कर सकते हैं आप। टैप टू क्लिक, टैप एंड होल्ड टू क्लिक राइट, ड्रैग माउस फॉर मूवमेंट, दिस एंड दैट, सारे फंक्शन आपको बता दिया, कंटिन्यू कर दीजिए। अब देखिए और इसको बंद कर देंगे, सो सब बढ़िया चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ कीबोर्ड आ गया आपका। इसको बंद करते हैं हम कीबोर्ड को, एंटर। तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत ईजिली हमारा हो गया है। सो अब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के रिमोट डेस्कटॉप ऐप की। मतलब भाई गूगल का तो वैसे ट्रस्टेड है, माइक्रोसॉफ्ट तो भाई विंडोज़ है, तो हमें तो वही चाहिए। सो चलिए अब देखते हैं कैसे क्या करना है आपको। फिर से गूगल में जाना है और टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप असिस्टेंट। सो इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा आपके लैपटॉप में, उसके बाद हम मोबाइल की बात करेंगे। सो पहले ये वाला हम इंस्टॉल कर लेते हैं। देख सकते हैं आप इजीली आपको फर्स्ट लिंक में मिल जाएगा, ट्रस्टेड वेबसाइट से हो रहा है, हमें बिंज वॉलपेपर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आ गया हमारे पास, इसको डबल क्लिक कर दीजिए। ये देखिए कर रहा है इंस्टॉल, बहुत इजीली हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले हम कंप्यूटर को रेडी कर रहे हैं इंस्टॉल करके, उसके बाद हम मोबाइल को रेडी करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट। एक और चीज़ बता दूँ, ये सिर्फ प्रो वर्जन्स के लिए है या अल्टीमेट या एंटरप्राइज, नॉर्मल होम वर्जन्स के लिए नहीं है विंडोज 10 में। ये देखिए सारी की चीज़ें हमें अलाउ करनी पड़ेंगी। गेट स्टार्टेड दबा दीजिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हो गया इंस्टॉल। ये देखिए रिमोट डेस्कटॉप असिस्टेंट चालू हो चुका है। चलिए इसको देख लेते हैं। बस मोबाइल में आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सो मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है, ये टाइप कर लीजिए। देखिए मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है, रिमोट डेस्कटॉप 8 के नाम से आ जाएगा। डेस्कटॉप पे बस आपको फिर ये ऊपर तीन डॉट ये प्लस दिया हुआ है, इस पर दबाना है, ऐड पीसी करना है, उसके बाद स्कैन अगेन करना है। सो आपके नेटवर्क पे जो भी डिवाइस आ रहा होगा जो कि चालू हो चुका है, हमने नेटवर्क को फेंक दिया है ऊपर कि भाई हाँ हमारे पास पीसी है जो कि रिमोटली एक्सेसिबल है। तो ये कुसुम पीसी मेरा वाला ही है। सो अब इसको बस कनेक्ट दबाना है, सिंपल कनेक्टिंग आ गया। अब ये डोमेन यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। सो हमारे पास डोमेन है kusum-pc/ उल्टा वाला है ये ए So guys, we finally connected it. So guys, finally after a long work, we have connected it and it's working fine. And we have these options. So जैसे कि ये टच, सो अब मेरे टच से चलेगा सब।
कीबोर्ड, और कीबोर्ड आ जाएगा एंड दिस जूम कर सकते हैं इससे एंड इफ़ वी ट्राई टू डू दिस आ रहा है और थोड़ा जूम हो रखा है, ठीक है, इट्स वर्किंग। सो आप देख सकते हैं इसको, हाइड कर सकते हैं हम, दैट्स इट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मतलब तीन तीन ऐप आपके रिमोट कंट्रोल वाले, मतलब लैपटॉप से आप मोबाइल को कंट्रोल करें, मोबाइल से लैपटॉप को, या लैपटॉप से लैपटॉप को, मतलब कुछ भी कंट्रोल कीजिए, बहुत ही अच्छा ईजी है। सो मेरे हिसाब से तीन रेटिंग देना चाहूँगा कि कौन से ईजी टू सेटअप है, ईजी टू यूज़ है। सो सबसे पहले आता टीम व्यूअर, बहुत ईजी है, मतलब बस आईडी और पासवर्ड डाला और हो गया। क्रोम रिमोट डेस्कटॉप उसके बाद दूसरा ईजी है, और थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप में आपको विंडोज़ प्रो वर्जन होगा तभी आपके काम आएगा, तो वो थोड़ा सा एक लिमिटेशन आ जाता है उसमें, तो उसके वजह से मैं आपको इसको थर्ड पे रख रहा हूँ, अदरवाइज़ तो वो भी बहुत अच्छा है। सो उम्मीद है आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा फीचर है। मैं तो बहुत कभी कभार यूज़ करता हूँ, लाइक मेरे घर में दो फ्लोर है, तो मेरा लैपटॉप काम कर रहा है तो मैं मोबाइल से चेक कर लेता हूँ कि भाई काम हो गया कि नहीं मेरे लैपटॉप में, तो मैं जाके जल्दी से जाके देख लूँगा कि हाँ काम हो गया तो ठीक है, मैं ऊपर आ जाऊँगा, अदरवाइज़ मेरे को आने की ज़रूरत नहीं है, बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही ईजी, मतलब अच्छे अच्छे इसमें काम निकाल सकते हैं आप, आपके ऊपर है। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय।